हेलो गाइस माय नेम इज सर पे एंड वेलकम बैक टू अन द केस स्टडी विद मी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू विश यू ऑल हैप्पी वैलेंटाइन वीक हैप्पी बिलेटेड वैलेंटाइन वीक मैं ये नहीं पता तो मैं से कितने लोगों को गिफ्ट्स वगैरह मिले होंगे बट एटलीस्ट यू गॉट माई विश एंड से इस प्यार वाले मौके पर मेरा एक बहुत ही ज़्यादा प्यार भरा गाना आगे थोड़ा साउंड लाइक जब शादी में नहीं आते तो खाना वाला अनाउंस नहीं करता गर्म गर्म खाना आपके नरम नरम होटो का इंतजार कर रहा I like that अभी। है आई साउंड लाइक मेरा गर्म गर्म गाना आपके नरम नरम कान का इंतजार कर रहा है सो प्लीज़ गो लिसन टू मेरा नाम हीर एंड आई ऑलवेज वॉन्ट टू राइट इन दैट परस्पेक्टिव जैसे पोइट्स लिखते हैं ना कि मैं तुम्हारे चाँल तोड़ दूंगा ये सब कुछ ऑलवेज वॉन्ट टू राइट इन दट परस्पेक्टिव तो ये गाना उस परस्पेक्टिव से है सो प्लीज़ गो लिसन टू माई सॉन्ग हीर इट्स आउट ऑन एवरी सिंगल प्लेटफॉर्म राइट Right now and here is a snippet of my song the keero se ladke tujhko pa you must see no can't you see sure सो या अगेन प्लीज़ वो लिसन माई सॉन्ग मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है या फिर प्रिं कॉमेंट में भी होगा और यू कैन जस्ट सर्च हीर श्रिंखल ऑन एवरीथिंग प्लेटफॉर्म दैट विल हेल्प

परिवार और भी ज्यादा जिम्मेदार बन जाता है छोटे बच्चे स्पेशली न्यूबॉर्न बेबीज वो अपने परिवार की आंखों का तारा होते हैं पर क्या हो अगर एक मुजरिम इस बच्चे की ही हत्या कर दे काइंड ऑफ अ पनिशमेंट विल लॉ गिव टू दैट क्या सजा उसे मिलेगी या फिर कहीं ऐसा ना हो कि उस मुजरिम को बिना किसी सजा के ही छोड़ दिया जाए तो आज हम हाँ एक ऐसे मुजरिम की बात करने जा रहे हैं जिसने तीन खून करने के बाद थ्री मर्डर्स उसके बाद भी वो आज समाज में एकदम खुला घूम रहा है एक ऐसा मुजरिम जिसके बारे में पुलिस को सब कुछ पता था फिर भी वो कभी जेल नहीं गया टुडे वे टॉकिंग अबाउट द यंगेस्ट सीरियल किलर इन हिस्ट्री। सो लेट्स लर्न मोर अबाउट टुडेस केस रिवॉल्विंग अराउंड अमरजीत सादा, बिहार बेगूसराय मुशहारी 2006 बेगूसराय गांव में 2006 के टाइम पर काफ़ी गरीबी थी लोग यहां ज़्यादातर मजदूरी करके और पालन ढोकर अपने पैसे कमाते थे या गुजारा करते थे बाय द वे पालन ढोना इज़ इस... बैल चलाना आई डोंट नो दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलता हूँ इस चीज़ को बट ए पालन ढोना इज दैट सो एटलीस्ट उस टाइम पर यहाँ के लोग एक एक दिन कर करके बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर करके पैसे जुटा कर अपने घर का पेट पाल रहे थे और जैसे तैसे करके वो लोग बिहार में अपना गुजारा कर रहे थे विच मट कि लग्जरी आइटम जैसे कि फ्रिज हो गया कार हो गई बाइक हो गई स्कूटी हो गई या फिर यहाँ तक कि साइकिल भी हो गई ये सारी चीज़ें इन परिवार वालों के इन लोगों के प्रायोरिटी में नहीं था उनकी प्रायोरिटी ये थी कि हम एक दिन में दो टाइम का खाना खा ले ढंग से हमारे पर उनमें सब लोग दो टाइम का खाना खा लें बस सो यस इस टाइम पे यहाँ पर काफी ज्यादा गरीबी थी पर यहाँ के लोग काफ़ी ज्यादा अच्छे थे वो एक दूसरे की देखभाल करते थे एक दूसरे की मदद करते थे विच मेंट कि ऑलमोस्ट एवरी वन इन दिस विलेज इस गांव में हर एक आदमी एक दूसरे को जानता ही था या फिर उन्हें यह पता होता था कि ये परिवार वाले कौन हैं ये फैमिली वाले कौन है वहाँ पर कौन रहता है अच्छा ये इसके दोस्त हैं एटलीस्ट समबड़ी दे न्यू न्यू ईच अदर ये जो मैंने तुम्हें दो चीज़ें बताई अभी कि लग्जरी आइटम के उनके पास पैसे नहीं होते थे या फिर वो उनकी प्रायोरिटी नहीं होती थी और ये कि सभी लोग एक दूसरे को जानते था इस गांव में टू थिंग्स आर वेरी कीप थिंग इन इस गांव में इन सभी परिवारों में से भी एक फैमिली थी जिनका नाम था साड़ा. साड़ा परिवार में बहुत सारे लोग ब्लड रिलेटेड थे तो मौसी मौसा जी चाचा चाची दादा दादी का और इन सभी लोगों के घर एक दूसरे के बड़े पास पास थे सो इन अ वे दे वर लाइक अ जॉइंट फैमिली जैसे जॉइंट फैमिली में होता है ना कि बहुत सारे लोग रहते हैं बहुत सारे परिवार रहते हैं एक साथ मौसा मौसी तुम्हारे चाचा चाची एक ही साथ रहते हैं वैसे ही थे ये लोग बस इनके घर एकदम चिपके हुए और अलग अलग थे दिस काइंड ऑफ रिमाइंड मी ऑफ मेरी नानी का घर क्योंकि मेरे नानी के घर से चिपका और मेरी मौसी का घर मेरे मामा मामी का घर मेरी तीन मौसिया बल्कि वहीं रहती है वॉकिंग डिस्टेंस पे है उन सभी का घर और ऐसे ही साडा परिवार के फैमिली मेम्बर्स का भी घर था तो जो बच्चे थे इस पूरी फैमिली में वो एक दूसरे को अच्छे से जानते थे कजन्स होने के बावजूद भी वो हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते बाहर दौड़ने जाते या फिर कुछ टाइम पास करने के लिए भी ये सभी लोग अपने कजन्स को ही बुलाते थे एंड अच्छा और क्या हो सकता है जब तुम्हारे भाई बहन ही तुम्हारे सच्चे दोस्त हो सो इन्वायरमेंट यहाँ पे ऐसा था कि सभी लोग मिलजुल के रहते थे इवन दो यहां गरीबी थी सभी लोग एक साथ रहते थे एंड टू बी ऑनेस्ट पे काफी ज्यादा खुशी वाला माहौल था पर ज्यादा टाइम के लिए नहीं एक दिन अचानक से इस ही फैमिली ट्री में सादा परिवार में एक छः साल की बच्ची गायब हो जाती है ये बच्ची हमेशा आस पड़ोस के लोगों को खेलती भी दिखती थी तो जब ये गायब ही तो पड़ोसियों को थोड़ा अजीब सा लगा साडा परिवार के सभी लोगों ने आस पड़ोस में पूछताछ करी कि तुमने हमारी बच्चे कहीं देखी तो नहीं है कहीं वो खेल तो नहीं थी तुम्हारे घर के पास में और ये सब कुछ देखकर साडा परिवार के जो बच्चे थे वो डर रहे थे देवर थिंकिंग कि हमारी बहन हमारी कज़न बहन कहाँ चले गई है और अब क्योंकि बच्चे होते ही हैं जब कुछ अजीब सा होता है तो दे स्टार्टेड टू तो फ्रीक आउट तो वो या तो रोने लग गए थे या फिर वो डरने लग गए थे घर में ही और साडा परिवार के बाकी जो फैमिली मेम्बर्स थे जो चाचा चाची मौसम मौसी जो थे उन्होंने अपने बच्चों को बचाने के लिए उन्हें ये बोला कि

रात को गांव वाले छोटे छोटे झुंड बनाकर बच्ची को ढूंढने लग गए पर फिर एक अजीब सी चीज हुई उस फैमिली में जो मुखिया थे सो मेल जो मुखिया थे उन्होंने सभी गांव वालों से कहा कि आप अब हमारी बच्ची को ढूंढना बंद कर दीजिए हम खुद ही उसे ढूंढ लेंगे सो so, एक दिन बीता रात हुई और अगली सुबह इस परिवार के मुखिया ने सादा परिवार के मुखिया ने गांव वालों को ये कहा विच वॉज वेरी वियर क्योंकि ना तो ये लोग अब पुलिस वालों के पास जा रहे थे अपनी बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट ने खाने के लिए और ना ही अब वो गांव वालों को भी अपनी बच्ची को ढूंढने दे रहे थे कोई बड़ी बच्ची नहीं छह साल की बच्ची को इन लोगों ने बोला कि अब मत ढूंढो उसे हम खुद देख लेंगे पर जो ये सर्च पार्टी थी गांव वालों की उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा सादा परिवार वालों को उन्हें लगा कि शायद से उनके घर के बच्चे डर रहे होंगे इसीलिए लोग नहीं चाहते होंगे बड़ा झुंड के बच्चे डर रहे थे वहाँ पे और घर की जो थी, वो भी डर रही थी तो सावाल तो न करते इन से सवाल ना पूछते हुए गांव वालों ने परिवार को उनके हाल पर छोड़ दिया दिस नॉट मीन की गांव वाले उनकी मदद नहीं करना चाहते थे वो बस उनकी एक तरीके से रिस्पेक्ट कर रहे थे उनके डिसीजन को लेके अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे आएगा अब एक तरफ गांव वाले और साडा परिवार वाले भी इस इंतजार में थे कि कब उनकी छ साल की बच्ची वापस आएगी और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग सा माहौल हो गया था गांव में क्योंकि वो लोग पूछ भी नहीं सकते थे उनसे कि तुम्हारी बेटी के बारे में कुछ पता चला या फिर तुम्हें कुछ पता चला कि तुमने लास्ट अपनी बेटी को कहा देखा था पीपल एक्चुअली केयर अबाउट दिस फैमिली पीपल केयर बट पीपल दे एक्चुअली केयर अबाउट दिस फैमिली इसीलिए वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे पर इन सब चीजों के बीच में साधा परिवार में एक खुशखबरी आई और वो ये थी कि उनके परिवार में एक छोटी बच्चे का जन्म हो गया था दिस वॉज अ मच नीडेड हैप्पीनेस फॉर देम क्योंकि उन्हें ऑलमोस्ट ऐसा लगा कि एक बेटी गई तो भगवान ने उनके द्वार पर दूसरी बेटी भेज दी और पूरा का पूरा सादा परिवार देवल लाइक जॉइंट फैमिली एज अ सेड तो पूरा का पूरा परिवार अब खुशी मना रहा था

हो गई। और अब किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। Because at this point, एक ही फैमिली से दो बच्चे गायब हो गए थे सबको सब बोला कि इस बच्ची के गायब होने की खबर बाहर गांव वालों को पता नहीं चलनी चाहिए लेकिन अब बच्चा गायब होगा घर से तो सी बात है कि सभी लोग नोटिस करेंगे ही तो गांव वाले भी देखने लग गए क्योंकि घर से रोने की आवाज नहीं आ रही है और ना ही सादा फैमिली अब ज्यादा अपने घर से बाहर निकलते थे तो गांव वालों में आपस में तो बातें फैल रही थी पर किसी ने भी कुछ सादा फैमिली से नहीं कहा और ना ही उन्होंने कुछ पूछा सादा फैमिली से गांव वालों ने तो चलो उनसे पूछा नहीं रिस्पेक्ट के थ्रू लेकिन सादा फैमिली ने फिर कभी भी अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी उन दो बच्चों को मेंशन नहीं करा इट वाज ऑलमोस्ट लाइक कि ये दो बच्चियां कभी उनके परिवार में थी ही नहीं सो so, चार महीने भी थे पांच महीने भी थे एवरी थिंग गोइंग बैक टू नॉर्मल लोग धीरे धीरे करके ये बातें भूल रहे थे कि कभी इस घर में से दो बच्चियां गायब भी हुई थी और सादा फैमिली भी वापस धीरे धीरे करके अपने काम पे जा रहे थे पर फिर अचानक एक बच्ची दोबारा इस गाँव से गायब हो गई थी वन मोर गर्ल पर इस बार ये बच्ची सादा फैमिली की नहीं थी इस गांव में एक तीन साल की बच्ची थी जिसका एग्जैक्ट नेम तो नहीं पता पर न्यूज आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग उस बच्ची का नाम था खुशी तो खुशी ने उसी साल स्कूल जाना शुरू करा था और खुशी के घर में उसकी मां काम करती थी तो वो हमेशा खुशी को सुबह स्कूल छोड़ने जाती फिर अपना काम करती और घर वापस आते समय वो खुशी को घर लेके आ जाती थी पर उस दिन 2007 को उस दिन जब खुशी की मोम देवी जी घर वापस आ रही थी तो उन्हें खुशी स्कूल के गेट पे नहीं दिखी देवी जी ऑब्वियसली बात है जब उन्हें अपनी बच्ची नहीं दिखी तो देवी जी परेशान होने लग गई थी और उनके दिमाग में सबसे पहली चीज ये आई कि कहीं सादा फैमिली की बच्चों की तरह मेरी बच्ची भी कहीं गायब तो नहीं हो गई है तो वो पैनिक कर रही थी बट अनलाइक सादा परिवार उन्होंने गाँव वालों की मदद मांगी और गाँव वाले भी सब कुछ छोड़कर देवी जी की बच्ची को ढूंढने

तुमारी दो बच्चियां खो गई है तो तुमने भला पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं बताया इस बारे में? तो इस बात पर सादा परिवार के मुखिया ने बोला कि साहब, हम नहीं चाहते थे खुशी के गायब होने के बारे में कुछ पता है क्या तो पहले तो सब चुप रहे पर फिर अचानक उन्हें एक दूसरे घर से आवाज आई यू डिवाइस राइट की एक जॉइंट फैमिली थी तो सभी घर पास पास में ही थे तो पास के ही एक घर से उन्हें आवाज़ आई कि अगर कोई भी उस पूरे गांव में खुशी को ढूंढने में आपकी मदद कर सकता है तो वो ये है और एक औरत ने उस पास वाले घर से एक बच्चे को आगे करा और इस बच्चे का नाम था अमरजीत साधा तो एक माँ ने अपने बच्चे को आगे करा वो बच्चा पुलिस वालों के सामने आया लेकिन जैसे ही अमरजीत वहां पे आया समथिंग वॉज ऑफ अबाउट हिम ही नॉट टॉकिंग ही वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग यहां तक कि वो पुलिस वालों को सिर्फ सीधा देख रहा था ये बच्चा पुलिस वाले उससे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि तुम खुशी को जानते हो या फिर तुम यहाँ आस पास कहीं खेलते हो वो किसी भी चीज का कुछ आंसर ही नहीं दे रहा था वो बस उन्हें घूरे जा रहा था और जब भी पुलिस वाले खुशी का नाम ले रहे थे तो वो हंस रहा था उन उनपे जिसके बाद पुलिस को लगा यार ये बच्चा तो हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है हम लोग यहाँ से निकलते हैं इससे तो हम लोग स्कूल ढूंढ लेते हैं क्या होता स्कूल में हमें कोई क्लू मिल जाए तो पुलिस वाले वहां से निकलने ही वाले

कि आप बस मेरे साथ चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि खुशी कहाँ है पुलिस वाले चुपचाप अमरजीत को फॉलो कर रहे थे और अमरजीत उन्हें ग्राउंड टाइप के एरिया के पास लेकर गया जहाँ बहुत सारी झाड़ियाँ थी जंगली घास थी और वहाँ जाकर अमरजीत ने ज़मीन पर पड़ी घास की तरफ उंगली करी न जो घास थी इसे देख साफ पता चल रहा था कि किसी ने इसे यहाँ पर तोड़ के लगाया गया है कुछ चीज़ को छुपाने के लिए पर जैसे ही पुलिस वालों ने वो घास उठाई उनकी आंखों के सामने थी खुशी की डेड बॉडी जो कि पूरी खून से लथपथ थी पुलिस वालों को समझ नहीं आया कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है खुशी सिर्फ एक दिन में मर चुकी थी और आखिर इस आठ साल के बच्चे को पता कैसे था कि उसकी बॉडी यहाँ पर है और तो और अमरजीत अभी भी खुशी की बॉडी को देखकर बस हंस रहा था तो पुलिस वालों ने उसे पकड़ के थाने ले जाना सही समझा और वो उसे वहां ले जाकर पूछताछ करने लगे नाउ पुलिस मैन देवर सस्पेशियस ऑफ अमरजीत लेकिन उसे लाख डराने पे धमकाने पे भी अमरजीत ने कुछ नहीं बोला वो बस हंसता रहा और चुप रहा और लास्ट में पुलिस वालों ने उससे कहा कि तुम खुशी के बारे में प्लीज हमें सब कुछ सच सच बता दो तो अमरजीत ने दोबारा से वही बात बोली कि अगर आप मुझे बिस्किट का पैकेट दोगे तो मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगा खुशी के बारे में तो वही हुआ दोबारा पुलिस मैन अमरजीत के लिए बिस्किट का पैकेट लेके आए और बिस्किट खाते हुए बिना किसी डर के अमरजीत ने उनसे कहा कि मैंने ही खुशी को मारा है एक्चुअली हिज एग्जैक्ट वर्ड्स वर कि मैंने ही खुशी को सुलाया है अमरजीत उस दिन खुशी के स्कूल के पास घूम रहा था और जब उसने खुशी को देखा और पहचाना तो वो खुशी को लेकर इस फील्ड में आ गया दिस इज अनक्लियर कि अमरजीत और खुशी के बीच में पहले कोई रिलेशन था या फिर वो दोनों एक दूसरे को जानते भी थे बट या वो खुशी को स्कूल से लेकर आया यहाँ आकर उसने खुशी का गला बहुत जोर से दबाया इतना जोर से कि खुशी को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया था और वो बेहोश हो गई थी जिसके बाद अमरजीत को ये सेटिस्फाइंग नहीं लगा और उसने पास पड़ी एक ईट से खुशी को मारना शुरू करा खुशी ईट के दर्द की वजह से चिल्लाने लगी और उसके बाद उसने खुशी को और ज़ोर से ईट से मारना शुरू कर दिया था पुलिस दे कुड़ नॉट बिलीव इट इस आठ साल के बच्चे ने बिना डरे उनके सामने अपना क्राइम कन्फेस करा था और ये सब सुनते ही उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि क्या तुमने ही उन बाकी दो बच्चों को मारा था इवन थाजिडेंट टू से दिस लाइन क्योंकि ये बच्चे उसी के फैमिली की थी बट अगेन अमरजीत ने चीज कन्फेस करी कि उसने सेम खुशी जैसे ही उन दो बच्चों को मारा था उन दो बच्चों का नहीं बल्कि उसने अपनी बहनों को मारा था सेम तरीके से दिस वॉज अडम क्योंकि अमरजीत के चेहरे पे ना तो कोई रिजेंट था ना ही कोई सैडनेस वो बस अपने बिस्किट एंजॉय कर रहा था और सब कुछ ऑनेस्टली पुलिस वालों को था। इसके सीधा बाद परिवार वालों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और उन्होंने भी अपने बेटे का और अपना भी क्राइम स्वीकार करा। दरअसल हुआ क्या कि अमरजीत ने सेम तरीके से जैसे उसने खुशी को मारा उसने अपनी सबसे पहली कजन को मारा था जो कि छह साल की थी पर क्योंकि अमरजीत उस समय सिर्फ सात साल का था तो उसके डैड इस परिवार के मुखिया ये नहीं चाहते थे कि एक खून की वजह से उनके बेटे का भविष्य बर्बाद हो जाए तो इसीलिए उन्होंने इस बात को अपने घर के अंदर ही दबाना सही समझा और पहली रात के बाद जब उन्हें पता चला कि अमरजीत ने ही ये सब कुछ करा है तो उन्होंने अपने परिवार वालों से कहा कि कोई भी इस बारे में गाँव वालों से बात नहीं करेगा वरना हमारा बेटा पुलिस स्टेशन चले जाएगा फिर जब दूसरी बार उसने अपनी छोटी बहन को मारा अपनी खुद की बहन को मारा तो अब उसके डैड और भी ज़्यादा डर गए थे उन्होंने सेम चीज़ दोबारा करी सेम अपने परिवार वालों को बोला सभी परिवार वालों को बोला कि कोई भी इस बारे में बाहर बात नहीं करेगा लेकिन अब अमरजीत के खुद के पापा उनके खुद के पिता उससे डरने लगे थे और अमरजीत की मोम नफरत करने लगी थी पर फिर भी उन्होंने ये बात अपने परिवार से बाहर नहीं निकलने दी जब खुशी की मौत हुई तो उन्हें लगा बस अब बहुत हुआ इसीलिए अमरजीत की मोम ही उसे पुलिस वालों के सामने लेके आई थी इफ यू रिमेम्बर जो लेडी आई थी पास वाले घर से उन्होंने खुद ही अमरजीत को आगे करा था तो अमरजीत की इस किलिंग स्प्री को छुपाने के लिए उसकी फैमिली मेंबर्स ने उसकी मदद करी थी जो कि खुद में एक क्राइम है उसके पूरे परिवार पर इस चीज के लिए कार्यवाही हुई थी जहां तक बात रही अमरजीत की क्योंकि वो बस आठ साल का था उस समय तो उसे नॉर्मल जेल में तो नहीं डाला जा सकता था बट ही स्पेशल अरेस्ट पे उसे काफी सारे और ह्यूमन बिहेवियर रिसर्चर से मिलाया गया सी अमरजीत का पूरा परिवार गरीब था तो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी टीवी देखा ही नहीं था सो देर वॉज नो इन्फ्लुएंस ऑफ वॉयलेंस और मर्डर इन हिज हैड एवर क्योंकि जब तुमने कोई चीज अपनी लाइफ में देखी ही नहीं तो उसका इन्फ्लुएंस तुम्हारे पे कहां से आएगा तो इन बच्चों को मारते वक्त उसे पता ही नहीं था कि किसी की जान लेना क्या होता है या फिर किसी की जान लेने का अंजाम क्या होता है बट इवन दो ही हैड नो इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया सोशल मीडिया एनी थिंग हाउ डिड ही गेट टू नो कि किसी को मारा कैसे जाता है एंड ऑल्सो जब अमरजीत इन सारी बातों को बता रहा था तो ही इम्प्लाइड दिस थिंग कि जब उसने गला दबाकर मारा तब तो उसे कोई सेटिसफेक्शन नहीं मिला पर जब उसने पत्थर से मारा और जब बच्चे रो रहे थे तो ही वॉज एक्चुअली हैप्पी अंदर से वाई डेड दो डेवलप इन टू हिम एट सच यंग एज यही जानने के लिए साइकैट्रिस और ये जो ह्यूमन बिहेवियर वाले लोग थे वहाँ उससे मिलने आए थे पर किसी को भी किसी भी बात का कुछ जवाब नहीं मिला आखिर ये केलर टेंडेंसीज अमरजीत के अंदर आई कैसे 2016 में जब अमरजीत साडा 18 साल का हो गया था तो उसे एक नए नाम के साथ एक नई आइडेंटिटी के साथ एक दूसरे शहर में मूव करा दिया गया था क्योंकि जितना टाइम उसने स्पेशल अरेस्ट में बिताया था उसके अकॉर्डिंग अब वो ठीक हो चुका था लेकिन अगर वो वापस सोसाइटी में जाता सेम नाम के साथ या फिर सेम जगह में तो लोग उससे डर के रहते

अमरजीत साड का के यही पे समाप्त होता है प्लीज गो लिस न्यू सॉन्ग हीर ऑन स्पॉटिफाई या फिर जहां पराने सुनते हो इट विल जनरली मीट टू मी एंड दट इज द बेस्ट वे दट यू कैन सपोर्ट मी इतना खतना केस सुनने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करो तुम लोग सो गो लिट हीन आई नॉट फॉर गेटिंग अबाउट दट थिंग दस मिलियन होके okay रहेंगे इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ मैं सो आई एम गोना फेक इट टेल आई मेक इट बट विद ऑल दैट आर द वे आई होप यू गाइज आर हैप्पी आई होप यू गाइज आर हेल्दी प्लीज़ कीप योर लव वेरी क्लोज टू यू गाइज प्लीज़ शेयर ऑल ऑफ़ योर थिंग्स विद योर लवस एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सोन बाय बाय